मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको केशगढ़ घाटी होते हुए बस्तर के बारसूर नामक स्थान पर स्थित बत्तीसा मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग केशगढ़ घाटी में ही हैं। दोस्तों, मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि कोंडागांव जिले की केशगढ़ तहसील में सुरम्य एवं मनोहारी केशगढ़ घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव और कांकेर के मध्य स्थित है। दोस्तों, केशगढ़ घाटी घने वन क्षेत्र, पहाड़ियों तथा खूबसूरत घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसे तेलीन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के मध्य से गुजरने वाला 4 किलोमीटर का राजमार्ग तथा इस पर स्थित 12 घुमावदार मोड़ पथिकों के मन में उत्साह एवं रोमांच भर देता है। दोस्तों, केशगढ़ घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशगढ़ घाटी में प्रवेश करने पर 12 खतरनाक मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इसे 12 भांवर भी कहा जाता है। दोस्तों, केशगढ़ घाटी को बस्तर का लाइफलाइन सड़क भी कहा जाता है। केशगढ़ घाटी की सड़क का सन 1910 में अंग्रेजों ने जीर्णोद्धार करवाया था। केशगढ़ घाटी कांकेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस घाटी में घुमावदार मोड़ के सामने दीवारों पर आदिवासी कलाओं का सुंदर चित्र अंकित किया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। दोस्तों, यह जो सामने में आपको मंदिर दिख रहा है, यह तेलीन सती माता और बंजारीन माता का मंदिर है। और इस मंदिर में घाटी से गुजरने वाले यात्री रुककर माता का दर्शन तथा क्षणिक विश्राम कर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, केशगढ़ ग्राम का क्षेत्र सन 1890 तक जंगल झाड़ी से भरा हुआ था। ना वहाँ कोई गांव था, ना ही कोई आबादी थी। पहाड़ों की वजह से आगे जाने का रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध था। बस्तर राज्य के राजा श्री भैरव देव ने कथित पहाड़ को तोड़वाकर उसके बीच से रास्ता निकलवाने का निश्चय किया, ताकि बस्तर राज्य का संपर्क बाहरी दुनिया से हो सके। दोस्तों, राजा भैरव देव ने तेलीन घाटी के पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकालने का कार्य सन 1879 में उत्तर प्रदेश निवासी श्री पुत्तन राम सिंह ठेकेदार को सौंपा तथा उन्होंने 1890 में यह कार्य पूर्ण कर लिया। पहाड़ से रास्ता निकल जाने से इस क्षेत्र एवं बस्तर राज्य का संपर्क बाहरी दुनिया से होने लगा। इससे बस्तर राज्य के व्यवसाय एवं विकास की संभावना निश्चित हुई। दोस्तों, पुत्तन राम सिंह ठेकेदार के पत्नी का नाम केशा देवी था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस घाटी का नाम केशकाल पड़ा है। दोस्तों, राजा भैरव देव ने केशकाल घाटी में रास्ता निर्माण तथा सड़क निर्माण कार्य से प्रसन्न होकर ठेकेदार श्री पुत्तन राम सिंह को केशकाल में ही 600 से 700 एकड़ जमीन पुरस्कार स्वरूप दे दिए थे, जिसके बाद श्री पुत्तन राम सिंह द्वारा अथक प्रयास से यहाँ धीरे धीरे लोगों को यहाँ बसाकर गांव का निर्माण किया गया था। दोस्तों, मेरे द्वारा केशगढ़ घाटी के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी देने का प्रयास मैं किया हूँ। अब इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, क्योंकि मैं आपको बत्तीसा मंदिर लेके जा रहा हूँ, है ना। तो वीडियो पे बने रहें और आगे चलिए मेरे साथ। चलिए, मैं आपको इस केशगढ़ घाटी का ड्रोन शॉट या ड्रोन वीडियो बताता हूँ कि ऊपर से यह क्षेत्र कैसा दिखता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यह 12 मोड़ वाला केशगढ़ घाटी का सड़क है। दोस्तों, इस स्टेप से यह ड्रोन में देखने पे, ऊपर से देखने पे इस स्टेप से दिखता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग केशगढ़ घाटी को पार कर चुके हैं। और दोस्तों, केशगढ़ घाटी से बारसूर की दूरी लगभग 160 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं, वहीं पे आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, हम लोग बारसूर के बत्तीसा मंदिर में पहुंच गए हैं। बत्तीसा मंदिर के बारे में दोस्तों यहाँ पर बोर्ड में दिया गया है, लिखा गया है जानकारी, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह मंदिर 32 खंभों के ऊपर स्थापित है, इसलिए इसका नाम बत्तीसा मंदिर बोलते हैं। और इस 32 स्तंभों पर आधारित बड़ा मंडप के ऊपर एक साथ दो मंदिर स्थापित है। दोस्तों इस बत्तीसा मंदिर का निर्माण काल 11वीं-12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा हुआ है। यह देखिए दोस्तों मंदिर के चारों तरफ का दृश्य, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका बनावट देखिए दोस्तों। यह 11-1200 साल पुराना मंदिर है दोस्तों यह मंदिर दो गर्भगृह वाले प्राचीन जोड़ मंदिर का सुंदर नमूना है। ऐसे मंदिर अधिकांशतः महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यह मंदिर न सिर्फ अपने 32 खंभों की वजह से मशहूर है, बल्कि दोहरे गर्भगृह वाले इस अनूठे शिवालय की दोनों जलहरियाँ भी इसे और ख़ास बनाती हैं, क्योंकि दोनों मंदिरों की जलहरियाँ शिवलिंग सहित 360 डिग्री सेंटीग्रेड में घूम जाती हैं। दोस्तों दोनों गर्भगृह में स्थित शिवलिंग त्रिरथ शैली में निर्मित शिवलिंग है। ये दोनों शिवालय सोमेश्वर महादेव और गंगा धरेश्वर महादेव के नाम से शिलालेख में दर्ज है। सन 1208 ईस्वी में नाग शासन काल में राजमहिषी गंग महादेवी ने यह मंदिर बनवाया था, और एक शिवालय अपने नाम पर एवं दूसरा शिवालय अपने पति महाराज सोमेश्वर देव के नाम पर नामकरण किया। यह देखिए दोस्तों नंदी की प्रतिमा, यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर और सजीव प्रतीत होता है। इस नंदी पर शिल्पकार ने गजब की बारीक नक्काशी की हुई है। नंदी के खुरों को इतने अच्छे तरीके से बनाया है जैसे बाहर की तरफ पैर मोड़कर बैठा हुआ जीवंत बछड़ा। चलिए दोस्तों अब शंकर भोले के दर्शन करते हैं, और शिवलिंग को 360 डिग्री घुमाकर भी आपको दिखाएंगे दोनों शिवलिंग को। ये देखिए दोस्तों यह पहला शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि यदि दोनों शिवलिंगों को किसी विशेष मुहूर्त में किसी विशेष समय में एक साथ एक दिशा में घुमाया जाए तो किसी तिलिस्म का दरवाज़ा खुल सकता है या कोई चमत्कार हो सकता है। ये देखिए यह दूसरा शिवलिंग है दोस्तों, इसको भी 360 डिग्री घुमाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गजब का अद्भुत शिवलिंग है दोस्तों, ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में दोस्तों।